वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से MSCMS क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन यूनिट सेकंड में डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंशन एनालिसिस का जो अपना पार्ट चल रहा है, उसमें यूनिट सेकंड की आज जो क्लास सेकंड है वो यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको म्यूसी मेरस थ्योरम जो है वो करवाई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आपको वो वाली क्लास भी ज़रूर देखनी है। ओके, लिंक जो है वो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप वहाँ से उसे आसानी से देख सकें। सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर जो नॉन कॉलेज प्राइवेट स्टूडेंट जो होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट और एक बेहतरीन क्लास जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज शेखावाटी के विद्यार्थियों को समझ आती है। आज अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स ऑफ ए सरफेस के बारे में, कि मैट्रिक्स ऑफ ए सरफेस या फिर लीनियर एलिमेंट ऑफ ए सरफेस क्या होता है। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन जो है मिलने वाली है और उस इक्वेशन का हम आने वाले क्वेश्चंस में प्रयोग करेंगे, इसलिए हमें मैट्रिक्स ऑफ ए सरफेस के बारे में जानना जरूरी है। तो इसके लिए हमने क्या माना, हमने माना कि लेट आर इक्वल टू आर यू वी बी ए सरफेस कर्व। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है ये क्या है, आर इक्वल टू आर यू वी बी ए सरफेस कर्व। देन यहाँ पर अपन इसको क्या कर सकते हैं, डी आर इक्वल टू, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी आर इक्वल टू डी आर अपॉन डी यू डेल यू इंटू डी यू प्लस डी आर अपॉन डी वी इंटू डेल वी इंटू डी वी, यानी कि हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ओके, नाउ इसको अपन किस तरीके से और दिखा सकते हैं, तो डी आर इक्वल टू हम क्या बता सकते हैं, आर डी यू प्लस आर वन डी यू प्लस आर टू डी वी। ठीक है, और इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे काम में ले लेंगे। और यहाँ पर बताया भी गया है कि आर वन की जो वैल्यू है वो क्या है, डी आर अपॉन डी यू, और आर टू की जो वैल्यू है वो क्या है, डी आर अपॉन डी वी। ठीक है, यहाँ पर आप इसको डेल भी बोल सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और कंडीशन आपको गिवन है, वो क्या है, कंडीशन गिवन ये है कि इफ़ डी आर इक्वल टू डी एस होता देन डी आर स्क्वायर इक्वल टू डी एस स्क्वायर होता। ठीक है, यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर को टू मिल गई, और इक्वेशन नंबर दो जो है यहाँ से हमें डी आर स्क्वायर की वैल्यू जो मिली है इक्वेशन नंबर टू से, उसका हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें मिलेगा डी एस स्क्वायर इक्वल टू आर वन डी यू प्लस आर टू डी वी की होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस वाले फंक्शन के लिए ए प्लस बी की होल स्क्वायर का जो फार्मूला है उसको यहाँ पर अप्लाई किया, देन हमें यहाँ पर मिला डी एस स्क्वायर इक्वल टू दिस फंक्शन। ठीक है, और ये जो फंक्शन है हमारी डी एस स्क्वायर, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, जहाँ पर ये जो f हमने काम में लिया है इसकी वैल्यू r1 स्क्वायर है। ओके, दूसरा जो f है इसकी वैल्यू r1 r2 है, और जो g है इसकी वैल्यू r2 स्क्वायर है। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल सा काम था। अगेन यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि e f g जो है ये क्या है, फंडामेंटल, फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशियंट्स हैं। ठीक है, एंड डी एस इज कॉल्ड ऑफ मैट्रिक्स ऑफ सरफेस और लाइन एलिमेंट ऑफ द सरफेस होगा। ठीक है, डी एस क्या है, या तो आप इसको मैट्रिक्स ऑफ ए सरफेस बोल सकते हो या फिर लाइन एलिमेंट ऑफ सरफेस बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, डी एस को तो आपने फर्स्ट फंडामेंटल मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर देख ली कि किस तरीके से जो इसकी इक्वेशन यहाँ पर होने वाली है, इसको आपको याद रखना है इस वाली इक्वेशन को, और अगर याद नहीं रख पाते हो तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस के माध्यम से आप इसको लर्न कर सकते हो, निकाल सकते हो जरूरत पड़ने पर। ओके, पॉइंट नंबर दो जो है वह है हमारा, टू प्रूव दैट द मैट्रिक्स सरफेस इज पॉजिटिव अ डिफाइन क्वाड्रेटिक इन डी यू, यानी कि डी यू के रिस्पेक्ट में जो हमारी मैट्रिक्स स्पेस है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर देखना, हमने ऊपर अभी क्या निकाला था, हमने ऊपर निकाला है डी एस की वैल्यू। ठीक है, क्या निकाला है, डी एस की वैल्यू निकाला है डी एस स्क्वायर की, वो क्या थी, ई डी यू स्क्वायर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी। यहां पर एक चीज देखना, यहां पर ये जो है ना, ये वाला फंक्शन ऊपर ये ई है, ई
ना कि एफ है। ओके, यहां से देखना, इस वाले ये जो फंक्शन है हमारा, इस फंक्शन को मैंने ई अपॉन ई से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया डी एस स्क्वायर को, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमें मिलेगी। देन यहाँ से हमने क्या किया, एफ स्क्वायर और डी वी स्क्वायर को प्लस माइनस कर दिया, प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे तो वैल्यू वही आ जाएगी वापस से कट पीट के। ओके, लेकिन हमें एक अच्छा फंक्शन मिले उसके लिए हमने एफ स्क्वायर और डी वी स्क्वायर से क्या कर दिया, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो अपनी इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और हमें ये वाली फंक्शन मिली। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो हमें ये वाला फंक्शन मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, हमने यूनिट फर्स्ट जब पढ़ी थी उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आर वन इंटू आर टू के मॉडुलस की स्क्वायर अगर करते हैं तो हमें मिलता है आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये जो साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, देन यहाँ से कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये जो आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, और इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, यानी कि अल्टीमेट हम क्या कर सकते हैं कि आर वन इंटू आर टू के मॉडुलस की स्क्वायर अगर अपन करें तो हमें आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर माइनस आर वन इंटू आर टू की होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है हमने इसको माना है, देखो आर वन इक्वल टू हमने क्या माना था, आर वन स्क्वायर इक्वल टू हमने ई माना था और आर टू स्क्वायर इक्वल टू हमने एफ माना था, पीछे माना है अभी, तो यहाँ पर सॉरी जी माना था जी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, सिंपल सा हमने ये काम किया है। ओके, यहाँ पर क्या कर दिया, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है इस पर हमने ई जी रख दिया और ये जो वैल्यू ये किसकी है, एफ की वैल्यू है, तो हमने एफ स्क्वायर रख दिया। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर आप देखेंगे कि आर वन और आर टू जो है, आर वन इंटू आर टू जो है, इसको हमने एच एन कैप मान लिया, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन निकल करके आई। ठीक है, कौन सी वाली आई, ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास आती है, यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन बनती है, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन हमारी फर्स्ट ये होगी कि अगर ई जी माइनस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो है तो उस कंडीशन में ई डी यू प्लस एफ डी वी की होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमारी जो इक्वेशन डी एस स्क्वायर है उसकी वैल्यू ये होगी, ई डी यू प्लस एफ डी वी की होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, देन यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी एस स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो है देन इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स बनेगी ये क्या होगी, पॉजिटिव वेल डिफाइन होगी डी यू और डी वी के रेस्पेक्ट में। अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो आ जाती है उस कंडीशन में ये नेगेटिव हो जाएगी, सिंपल सा काम है। ओके, अब अपन जानते हैं सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म क्या होती है मैट्रिक्स सरफेस के लिए, तो इसके लिए हमने क्या माना, आर वन इक्वल टू डी आर अपॉन डी यू, आर टू इक्वल टू डी आर अपॉन डी वी, आर इलेवन क्या होगा, डी डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल यू स्क्वायर, और आर ट्वेंटी टू इक्वल टू क्या होगा, डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वी स्क्वायर, देन आर ट्वेल्व की वैल्यू क्या होगी, डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल यू डेल वी। ठीक है, या फिर आप इसका उल्टा भी बता सकते हैं, डेल वी और डेल यू। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका फर्क यही पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ये आर ट्वेल्व की है, तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ये किसकी हो जाएगी, आर ट्वेंटी वन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इतना ही फर्क है बस इसमें। देन यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि एल जो है, एल यहाँ पे आपको एल एम और एन जो है वो वैल्यूज दिख रही होंगी, तो एल इक्वल टू हमने माना आर इलेवन एन कैप, ये पेन क्यों नहीं चल रहा हमारा, ओके एम की वैल्यू हमने क्या मानी, आर ट्वेल्व एन कैप या आर ट्वेंटी वन एन कैप मान सकते हो। ठीक है, कैपिटल एन इक्वल टू हमने माना आर ट्वेंटी टू एन कैप, ये हमने माना, लेट्स अज्यूम दैट, अगर हम इसको अज्यूम दैट करते हैं तो हमारे पास एल डी यू स्क्वायर प्लस टू एम डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वायर वैल्यू होगी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एल एम एन है ये क्या है, सेकेंड फंडामेंटल कोफिशियंट है। ठीक है,
तो फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट हमारे पास क्या थे, ई एफ जी, ठीक है, और सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट जो वो क्या है, एल एम और एन, ठीक। तो ये दोनों के दोनों इक्वेशन जो हैं आपको यहाँ पर याद रखनी है, एक तो ये वाली और एक ई वाली, डी एस ई स्क्वायर वाली, ठीक है। ये दोनों थ्योरम आपको काम में याद रखनी है, और इन्हीं थ्योरम को, इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ में लेते हुए अपन आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको इसमें कोई टर्म समझ में ना आई है तो आप कमेंट कर देना, आपको वापस से बता दिया जाएगा चीज़ें कहाँ से कैसे किस तरीके से इन्वॉल्व हुई हैं। बाकी ये इतना टफ नहीं था, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। ओके, तो फिलहाल कितना ही, थैंक यू सो मच।